नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और जैसा कि आपको बताया, हमने DLED थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका मैथ स्टार्ट किया है, और जिसके अंतर्गत आपको वन एक्सरसाइज वन डी के लिए हम आपके उसके एग्जांपल्स आपको करा रहे हैं। तो आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर देख लेना, क्योंकि आपको पता है कि कितना इम्पोर्टेंस है मैथ का DLED थर्ड सेमेस्टर के लिए, और इसके आगे जो आने वाला है फोर्थ सेमेस्टर उसके लिए तो और ही ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में तो इतना बैग लगता है कुछ पूछो मत, और थर्ड सेमेस्टर में भी बैग निरा लगता है। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से हमारे सभी वीडियोस देखने हैं, फिर प्रैक्टिस करनी है, बुक्स ले लीजिए, क्योंकि मॉडल से आपको मैथ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मॉडल में बहुत कम सवाल दिए होते हैं, तो आप उनसे अपने कंसेप्टों को अच्छा नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ से हमारी सभी वीडियोज़ देखनी है और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को करा रहा हूँ। तो देखिए, इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1245 रुपए को तीन व्यक्तियों में इस प्रकार बांटो कि भागों में कि 10 रुपए, 15 रुपए और 20 रुपए घटाने के बाद उनका अनुपात इतना अनुपात रह जाए। तो अब क्या करना है, तो देखिए ये टोटल रुपए जो 1245 हैं, इनमें से इतने रुपए घटाने हैं, यानी 45 रुपए घटाने हैं, तो कितना बच गया हमारे पास, 1200 रुपए बच गया। अब कह रहा है ये 1200 रुपए है, इतने अनुपात में हमने बांटा हुआ है, तो हम इन इतने अनुपातों में बांटा हुआ, तो इनका हम अनुपातिक योग निकाल लेंगे, तो अनुपातिक योग आया 12। अब यहाँ पे प्रथम भाग निकाल लीजिए, तो प्रथम भाग यानी कितने अनुपात का है, 3 अनुपात का है, टोटल अनुपात कितना था 12, टोटल राशि कितनी है 12,000, 1200, 1200 टोटल राशि रख लेंगे, तो इस तरीके से काटेंगे तो आपका 300 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 300 रुपये आ जाएगा प्रथम भाग। द्वितीय भाग निकालेंगे, तो आपको अब देखिए प्रथम व्यक्ति का 1245 रुपये में जो भाग टोटल आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये अनुपात से हमने निकाल लिया, इसके बाद 10 रुपये इसके जो हमने घटा दिए थे वो हमने इसमें जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए हमने, क्योंकि ये घटा दिए थे हमने, तब कह रहा था कि जब ये घटाओगे तब ये अनुपात बचेगा, तो इसका मतलब क्या है, इसके जो 310 रुपये होंगे इसके, यानी 10 रुपये इसके जोड़ने पड़ेंगे जो हमने घटा लिए हैं। इसके बाद दूसरे व्यक्ति का आप देखेंगे, 4/12, और यहाँ पे 1200 रख लिया, ये 400 रुपये आ गया, और 400 में इसके कितने घटा दिए, 15 घटा दिए, तो 15 जोड़ दिए, वास्तविक भाग इसका 415 आ गया। ऐसे तीसरा देख सकते हैं, 5/12 × में 1200, तो इसका काट पीट के करा तो कितना 500 बचा, और 500 के बाद इसका 20 जोड़ दिया, क्योंकि इसका 20 हमने पहले घटा दिया था अनुपात पे आने के लिए। तो इस तरीके से इन तीनों के भाग निकाल लिए, तो यही तीनों के भाग ये निकलवा रहा था। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चंस काफी इंपोर्टेंट हैं, आप इनको देखिए। उदाहरण नंबर 7, एक थैली में 1 रुपए 25 पैसे और 5 पैसे के सिक्के क्रम से इतने के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि आपकी 24 रुपए 75 पैसे हो, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। तो इस तरीके से कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे, तो देखिए संख्या के अनुसार सिक्कों में अनुपात कितना है, तो देखिए यहाँ पे रुपए का है, यहाँ पैसे हैं और यहाँ पर पैसे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 रुपए के सिक्के, मतलब 1 रुपए एक अनुपात दिया हुआ है इसका अनुपात का, दूसरे का 2 अनुपात दिया हुआ है, तीसरे का 3 अनुपात दिया हुआ। अब मूल्यों के अनुसार सिक्कों के मूल्यों में अनुपात कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हम पैसे में बना रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे देखिए रुपए में बनाना थोड़ा ये कठिन हो जाएगा, क्योंकि इसमें रुपए से बनाएंगे तो ये पॉइंटों में चलेगी गाड़ी, तो हमें क्या करना है, हमें इसे पैसों में कन्वर्ट कर लेना। देखिए 1 रुपए के कितने सिक्के होते हैं, मतलब पैसे में कितने होते हैं, तो 100 पैसे मिलके 1 रुपया बनता है, तो हम 1 रुपए से अगर पैसों में आना चाहेंगे तो 100 पैसे मिलेंगे हमको। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 25 पैसे के दिए हुए हैं तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका अनुपातिक हमें जो अनुपात दिया है उसका हमें मल्टीपल करना है, बट तो यहाँ पर भी अनुपात का हम मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। और इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे जो अनुपातिक योग देखेंगे तो ये कितना, मतलब अनुपात कितना निकलेगा, 100 अनुपात 50 अनुपात और 15 अनुपात। इसके बाद अनुपातिक योग क्या हो जाएगा, इन सबको हम जोड़ देंगे तो अनुपातिक योग निकल जाएगा, अनुपातिक योग निकल गया 165। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो रुपये का मूल्य, यानी रुपये का मूल्य 100/165, यानी जो रुपये का सिक्का था उसका मूल्य कितना, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने 2475 कर लिया, क्योंकि 24 रुपये, ठीक है, 24 रुपये में अगर सिक्के मतलब पैसे बनाएंगे तो 2400 पैसे हो जाएंगे, और 75 पैसे हम और जोड़ देंगे, तो 75 पैसे और जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा हमारा,
2475 बन जाएगा। तो बस इसमें काट लिया तो हमारे 1500 पैसे आ गए। 1 रुपए वाले कितने हैं पैसे? 1500 पैसे हैं आपके। इसी तरह 25 पैसे वाले कितने, मतलब सिक्के, सिक्कों का मूल्य कितना है 25 पैसे वाले जो हैं? तो 25 यानी 50 रेशियो में है, टोटल में 165। तो यहाँ से हमने काटा तो 525 पैसे आ गए। इसी प्रकार से 5 पैसे के सिक्के आप निकाल सकते हैं, तो ये आपका 225 पैसे आ गए। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सभी क्रम से लगे हुए हैं आपके। और यहाँ पे जो पूछा हुआ था कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो यहाँ से तो हमने निकाल लिया कि पैसे कितने हैं। अब संख्या हम निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 रुपए के सिक्कों की संख्या यानी 1 रुपए के कितने सिक्के हैं ये देखते हैं। पैसों की तो हमने संख्या निकाल ली, कितने कितने पैसे हैं सबके, देखिए भाग निकाल लिए कितने कितने पैसे सबके लगे हुए हैं। तो ये तो हमने निकाल लिया कि 1 रुपए वाले 1500 पैसे हैं, 25 पैसे वाले 525 पैसे हैं, और आप यहाँ पे 5 पैसे वाले 225 पैसे हैं। अब इनका भाग दोगे तो इसकी निकल जाएगी टोटल के कितने सिक्के हैं। तो इसका जब भाग देंगे टोटल सिक्के निकल जाएंगे, नहीं निकल जाएंगे? आसानी से निकल जाएंगे। देखिए तो 1500 टोटल इसके सिक्के थे, और ये हैं कितने पैसे वाले? तो 100 पैसे वाले हैं। तो 100 पैसे का हमने इसमें भाग दे दिया, तो हमारा कितना निकल गया? 15 सिक्के निकल गया इसका। 25 पैसे वाले के यानी 750 जो हैं वो आपके क्या हैं? ये आपका मूल्य है इसका, यानी पैसों की संख्या है। और 25 पैसे के सिक्के हैं, तो 25 पैसे का भाग दे दोगे तो निकल जाएगा कितने सिक्के हैं? 30 सिक्के हैं। इसी प्रकार से 5 पैसे वाले निकाले तो हमारे 45 सिक्के बच गए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे, समझ लेंगे, इसे समझने का प्रयास करिए। और हमने समझाने का पूरा प्रयास किया हुआ। देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका जो एग्जाम्पल्स का है, अभी तो आपके एक्सरसाइज के अंतर्गत आएंगे, तब और अच्छे से समझाए जाएंगे आपको। देखिए एक थैली में कह रहा है कि 1 रुपए के 50 पैसे के और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो इन्होंने देखिए सिक्कों की संख्या दे दी है पहले से ही, यानी 1840 सिक्के हैं, जिनका मूल्य दिया हुआ है कितना? 8, 12 और 15 के अनुपात में है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? अब प्रत्येक टोटल सिक्के दे दिए हैं इसने, अब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है कि 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 50 पैसे कितने सिक्के होंगे, 25 पैसे कितने सिक्के होंगे, इस तरीके से आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस फॉर्मेट को बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। देखिए सिक्कों की संख्या में अनुपात, तो हमने कहा था ये लिख लीजिए 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, और मूल्यों में अनुपात, तो अनुपात दिया हुआ है 8, 12 और 15 का अनुपात दिया हुआ है आपको आपको क्वेश्चन में। इसके बाद अनुपातिक में जो संख्या में अनुपात कितना हो जाएगा, तो हमने निकाल लिया इसमें 1 रुपए के सिक्के गुणा कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे 1 रुपए में? 2 होंगे। तो 2 का हमने यहाँ पे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आप 2 का देख सकते हैं। इसी प्रकार से 25 पैसे कितने होंगे? 4 होंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें इसके बना लेने हैं रुपए। तो इस तरीके से आप देखिए 1 रुपए, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 रुपए में 1 रुपए का सिक्का एक होता है, 50 पैसे में सिक्कों की संख्या 2 होती है, क्योंकि हमें सिक्के बना रहे हैं ना, तो 2 होती है, जबकि 25 पैसों में सिक्कों की संख्या 4 होती है। 25 पैसे में जैसे पैसे 25 पैसे जिसे हम बोलते थे चवन्नी चवन्नी, तो ये 25 पैसे की होती थी, 25 25 पैसे उस पर लिखा होता था, 25 और 25 पैसे। तो इन चारों को मिला के 1 रुपया बनता था हमारा। 50 पैसे के होते थे तो 25 25 में अगर बांटेंगे तो 50 50 पैसे के हैं, तो इधर की 1 50 पैसे का ये हो गया, 1 50 पैसे का ये हो गया, तो कितने सिक्के हो गए? 2 सिक्के हो गए। 25 25 के 4 सिक्के हो जाएंगे। 1 रुपए का होगा तो एक ही सिक्का होगा, तो सिक्के हमने बनाए हुए हैं। तो अब सरल अनुपात हमने इनका देखिए निकाल लिया, कितना आ गया आपका? 8 24 60, इनका योग निकाला तो 92 हो गया। अब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालिए, तो 8 अनुपात में है और बट्टे में टोटल 92 है, और टोटल धनराशि हमने लिख ली 1840 है। तो हमारा कितना? 160 निकलाया सिक्कों की संख्या। 1 रुपए के सिक्के कितने हैं हमारे पास? 160 सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो 50 पैसे के 480 सिक्के हैं। और इसी प्रकार से 25 पैसे के सिक्के निकाल लिए, उनका अनुपात जो है ऊपर रखिए, उसके बाद टोटल अनुपात रखिए, यहाँ पे टोटल कुल राशि रखिए। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए ये जो भी डी में जो भी क्वेश्चन है आपके, वो सब क्वेश्चनों को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए। तो 2-3 वीडियो जाएंगे आपके एक्सरसाइज के भी, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए,
और सभी वीडियोस देख लीजिए, अच्छे से तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए, और समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम वही है जो कि यूट्यूब चैनल का नाम है, तो आप टेलीग्राम में जाकर के सर्च करेंगे बेसिक टू टॉप हिस्ट्री तो आपको मिल जाएगा, और आप यूट्यूब में जाकर के अब हमारे चैनल का नाम शॉर्ट में डाल सकते हैं B2TS, तो आप ये सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल का नाम मिल जाएगा B2TS करके, बेसिक टू टॉप स्टडी करके, हमने इसे शॉर्ट में रख दिया है, तो आप लॉन्ग डालेंगे फिर भी आएगा, शॉर्ट डालेंगे फिर भी आएगा, तो आप सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल को। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों जरूर शेयर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।